इस समय कहाँ है डॉन वाले वीडियो के हम अब तक कुल 5 पार्ट बना चुके हैं। उम्मीद है आप अभी तक ये सभी वीडियोज देख चुके होंगे। इन वीडियोज में हमने अंडरवर्ल्ड डॉन के बारे में आपको सब कुछ बताया है कि अभी वह कहाँ है और क्या कर रहा है, जिंदा भी है या मर चुका है। अब इसी सीरीज के अगले भाग यानी कि आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ और कहानी। आज की कहानी भी पिछले 5 भागों की तरह दिलचस्प होने वाली है। तो चलिए अब बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो की पहली कहानी है इकबाल मिर्ची की। इकबाल मिर्ची का असली नाम मेमन इकबाल मोहम्मद था। मेमन इकबाल नाम के आगे मिर्ची लगने की भी एक अलग कहानी है। यह कहानी कुछ ऐसी है कि मुंबई के एक बाजार में उसकी मसालों और लाल मिर्ची पाउडर की दुकान थी। इसी दुकान की आड़ में वह कुछ इलीगल कामों को अंजाम दे रहा था, जिसके बाद धीरे धीरे उसे इकबाल मिर्ची के नाम से जाना जाने लगा और उसे अब इसी नाम से बुलाया भी जाने लगा। इकबाल मिर्ची के बारे में कहा जाता है कि वह साल 1980 में दाऊद इब्राहिम के संपर्क में आया और फिर उसी के साथ मिलकर उसने ड्रग्स की स्मगलिंग शुरू कर दी। 1980s के बीच के सालों में इकबाल मिर्ची नशीली पदार्थों का भी स्मगलिंग करने लगा था और धीरे धीरे उस धंधे में भी उसका काफ़ी नाम हो गया था। इस दौरान वो दाऊद इब्राहिम का सबसे खास लोगों में से एक बन चुका था। 80s में ड्रग्स माफिया हत्यारोपी इकबाल मिर्ची का रहन सहन किसी सेलिब्रिटी के जैसा था। साल 1986 के मई महीने में पहली बार इकबाल मिर्ची ठाणे के एक फार्म हाउस से 9 करोड़ रुपए की कीमत की 600 किलो हेरोइन के साथ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के हत्थे चढ़ा था, लेकिन उसका पहुंच इतना लंबा था कि उस मामले से वह बच निकला। 1993 में बॉम्बे ब्लास्ट के बाद इकबाल मिर्ची भारत से फरार हो गया था। वह दाऊद के साथ दुबई में रहने लगा। दुबई जाने के बाद उसने वहां पर एक्ट्रेस हीना कौशर से शादी किया। आपको बताते चलें कि हीना कौशर मुगल ए आजम बनाने वाले के आसिफ की बेटी है। शादी के बाद वह लंदन चला गया और वहीं पर रहने लगा। वह लंदन में रहकर ही ड्रग्स के नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा था। लंदन में लोग इकबाल मिर्ची को एक चावल व्यापारी के तौर पर जानते थे। इकबाल अंडरवर्ल्ड में खून खराबा से दूर इलीगल बिजनेस में इन्वॉल्व था। उसको हिंदी और अंग्रेजी भाषा पर बहुत अच्छा कंट्रोल था। एक वक्त था जब दुनिया के कई देशों की पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। 1993 के बॉम्बे विस्फोट के बाद जब अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू हुआ, तब इसकी आंच इकबाल मिर्ची तक भी पहुंची थी। उसको पहली बार लंदन में अप्रैल 1995 में इंटरपोल द्वारा गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इंग्लैंड के कोर्ट में ठोस सबूतों के अभाव में उसे बरी कर दिया गया। इसके बाद साल 2001 में इकबाल मिर्ची को वहां का रेजिडेंसी परमिट भी मिल गया था। अब वह एक क्लीन बिजनेसमैन की तरह लंदन में रहने लगा था और खुला घूम सकता था। इसके बाद के दिनों में यूएन की एक रिपोर्ट में उसे दाऊद गैंग के वरिष्ठ सदस्य के तौर पर दिखाया गया। इसमें बताया गया था कि इकबाल मिर्ची कोई क्लीन बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि उसका इन्वॉल्वमेंट ड्रग्स के स्मगलिंग से है। इसके बाद उसके ऊपर फिर से शिकंजा कसना शुरू हुआ। साल 1995 में जब इंटरपोल ने उसे अरेस्ट किया था, उस समय जो उसके ऊपर भारत लाने के लिए कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, उस दौरान लंदन की एक अदालत में मिर्ची के वकील ने उसे भारत के एक सम्मानित कारोबारी के तौर पर बताया था। इस सुनवाई के दौरान इंटरपोल ने भारत के CBI अधिकारियों को भी अपने साथ रखा था। उस समय इकबाल के वकील ने कहा था कि उसका परिवार जमानत के लिए जरूरी 3 लाख पाउंड की रकम भी जमा करा सकता है, लेकिन उस दौरान CBI के पास कुछ ठोस सबूत नहीं थे, इसीलिए उसे ना सिर्फ इकबाल मिर्ची के प्रत्यर्पण से हाथ धोना पड़ा, बल्कि कोर्ट के आदेश पर जांच एजेंसी को 95,000 पाउंड हर्जाना भी भरना पड़ा। फिर इसके बाद साल 1996 में इकबाल मिर्ची ने अग्रिम जमानत की याचिका लगाई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके अलावा मिर्ची ने लंदन के कोर्ट से मांग की थी कि जान के खतरे का अंदेशा देखते हुए उसे एयरपोर्ट से कोर्ट तक सुरक्षा दिलाई जाए, इसे भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि 1990 के दशक में मिर्ची के पास मुंबई में 25 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां थी। इनमें से ज्यादातर को 1993 ब्लास्ट के बाद पुलिस ने जब्त कर लिया था। इसके बाद साल 1998 में बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर मिर्ची के परिवार के नाम पर रजिस्टर्ड कितने ही प्रॉपर्टी छुड़ा ली गई थी। इसके बाद साल 1997 में मिर्ची ने सरेंडर करने के लिए एक बार और पहल की। इस बार भी उसने सुरक्षा मांगी, जो खारिज हो गई।
भारत इकबाल मिर्ची को लंदन से वापस इंडिया लाने की कई नाकाम कोशिश कर चुका है, लेकिन कभी कामयाबी नहीं मिली। फाइनली साल 2013 में लंदन में ही दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। इस वीडियो में अब अगली कहानी है अरुण गवली गैंग के शूटर रविंद्र सावंत की। रविंद्र सावंत का जन्म 60 के आखिरी दशक में मुंबई में ही हुआ था। वह करना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन उसे कोई काम हाथ नहीं लग रहा था। फिर वह किसी दोस्त से सुना कि आज के मुंबई में पैसा कमाने का सबसे आसान उपाय है अंडरवर्ल्ड से जुड़ जाना। इसके बारे में वह जितना जानता गया उतनी ही उसकी दिलचस्पी इसमें बढ़ती गई। जब वह अपना पूरा मूड बना चुका था, तब वह यह नहीं डिसाइड कर पा रहा था कि जाए कहां। एक तरफ डी कंपनी थी और दूसरे तरफ अरुण गवली का साम्राज्य। बीच में अमर नायक जैसे गिरोह भी थे जो अपना नाम कमा चुका था। तभी उसके एक दोस्त अनिल गौकर ने उसको कहा कि वो उसकी मुलाकात डैडी यानी कि अरुण गवली से करवा देगा। यह 90 के दशक का शुरुआती साल चल रहा था। अरुण गवली उन दिनों पुणे के यरवड़ा जेल में बंद था और उनके साथ सदा मामा भी उसी जेल में बंद था। जैसे तैसे अनिल गौकर रविंद्र सावंत को लेकर पुणे के यरवड़ा जेल में पहुंच गया। गौकर जो था वह गवली का खास था। मुलाकात के दौरान गौकर ने गवली से कहा कि उनके लिए मुंबई से वह एक सिपाही लेकर आया है, और ऐसा बोलते हुए उसने रविंद्र सावंत की ओर इशारा कर दिया। गवली ने शुरुआती पूछताछ के बाद कहा कि तुम वही करना जो मामा तुमको करने के लिए बोलेगा, मामा यानी कि सदा मामा। वह कुछ ही दिनों में जेल से बाहर निकलने वाला है। इतनी बात होने के बाद अनिल गौकर रविंद्र सावंत को लेकर मुंबई आ गया और अब वह सदा मामा का इंतजार करने लगा। रविंद्र सावंत अब मुंबई में इंतजार तो कर रहा था, लेकिन उसके पैर जमीन पर नहीं रुक रहे थे। वजह थी कि उसको मुंबई के सबसे बड़े गिरोह में काम मिल चुका था। दिन बीता और अब रविंद्र सावंत पूरी तरह से तैयार हो चुका था, वैसा तैयार जैसा अरुण गवली चाहते थे। फिर एक दिन सदा मामा ने रविंद्र सावंत और नागेश मोहिते दोनों को ही दगड़ी चौल में बुलाया और कहा, डैडी का आदेश आ गया है, काम अब जल्दी ही शुरू करना होगा। दोनों ने हां में सिर हिला दिया। अब बारी थी सदा मामा के पत्ते खोलने की कि टारगेट पर किसको लिया जाना है। नाम सामने आया, अश्विन नाइक। अश्विन नाइक गैंगस्टर अमर नाइक का छोटा भाई था और नाइक गैंग का एक मुख्य स्तंभ भी। उनकी सुपारी अब निकल चुकी थी। अश्विन नाइक इन दिनों कल्याण सेंट्रल जेल में बंद थे और सजा काट रहे थे, लेकिन उनको सुनवाई के लिए कोर्ट आना जाना लगा रहता था, जो कि पूरी तरह से पुलिस की देखरेख में होता था। तारीख 18 अप्रैल साल 1994। इस दिन नागेश ने सदा मामा को पक्की खबर दी कि आज कोर्ट में अश्विन की सुनवाई है और यहीं पर उसका गेम बजाना है। रविंद्र सावंत भी पूरी तरह से तैयार था इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। सदा मामा ने रविंद्र सावंत को वकील वाला गेटअप दिया और नागेश को हर घटना पर नजर रखने के लिए उसके साथ कोर्ट भेज दिया। भेजते वक्त सदा का साफ इंस्ट्रक्शन था कि अश्विन को सामने से उसके सर में गोली मारनी है और उसके मरने के बाद ही वहां से निकलना है। नागेश मोहिते और रविंद्र सावंत अब दोनों कोर्ट परिसर में मौजूद था और अश्विन का इंतजार कर रहा था, लेकिन समस्या यह थी कि रविंद्र सावंत अश्विन नाइक को पहचानता ही नहीं था। ऐसे में कोर्ट में पुलिस प्रोटेक्शन के साथ जब अश्विन दाखिल हुए, उस समय नागेश ने सावंत को इशारा किया कि यही अश्विन है। सावंत अब समझ चुका था कि आगे क्या करना है, लेकिन रविंद्र सावंत ऐसे माहौल के लिए तैयार नहीं था। कोर्ट परिसर लोगों से भरा हुआ था और यहाँ पर सावंत की हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन नागेश के लगातार दबाव देने के बाद आखिरकार उसने अश्विन पर गोली चला दी। महीनों से निशानेबाजी की प्रैक्टिस करने वाला रविंद्र सावंत का निशाना चूक गया और गोली अश्विन के गर्दन को चीरकर बाहर निकल गई। अश्विन वहीं पर ढेर हो गया, लेकिन उसमें सांसें अभी भी चल रही थी। फायरिंग की आवाज़ आते ही अश्विन के साथ आए पुलिसकर्मी ने भी रविंद्र सावंत पर फायर किया। गोली सावंत को भी लगी और वह भी वहीं पर ढेर हो गया, लेकिन मरा वह भी नहीं था। दोनों को इलाज के लिए अलग अलग अस्पताल में ले जाया गया। इसी घटना के बाद अश्विन नाइक पैरालाइज्ड हो गया और अभी तक वह ठीक नहीं हो पाया है। इस घटना के बाद तीन लोगों पर मुकदमा दायर हुआ, अरुण गवली, नागेश मोहिते और रविंद्र सावंत। जहां सबूत के अभाव में अरुण गवली और नागेश मोहिते को छोड़ दिया गया, वहीं रविंद्र सावंत को उम्र कैद के रूप में 15 साल के जेल की सजा सुनाई गई। इस वीडियो की अब आखिरी कहानी है रशीद मालबारी की।
रशीद मारवाड़ी जैसे शूटर्स का सिर्फ मुंबई अंडरवर्ल्ड में इस्तेमाल होता है। इन जैसे लोगों को पहले से कोई नहीं जान रहा होता है। इनका नाम तब सामने आता है जब यह किसी बड़े काम को या तो अंजाम देता है या फिर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है। इसीलिए इसके बैकग्राउंड का कुछ खास पता नहीं चल पाता है। इसीलिए आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं रशीद मारवाड़ी के जुर्म की दुनिया में। रशीद मारवाड़ी मुंबई में रहता था और किसी अपराध के सिलसिले में वह जेल में बंद था, क्योंकि उस समय जेल में हर एक गैंग के कुछ न कुछ गुर्गे रहते थे। तो वहीं से उसका संपर्क हुआ छोटा शकील के एक गुर्गे से, और इसके बाद उसका संपर्क हुआ छोटा शकील से। यह साल 1995 चल रहा था। वह छोटा शकील के लिए जेल से ही हवाला का कारोबार देखता था। बाहर आने के बाद छोटा शकील के ही एक गुर्गा मस्तान के साथ मिलकर उसने सबसे पहले मोहन कोटियान के एक सहयोगी की हत्या की। कहा जाता है कि रशीद मालवाड़ी ने इसके बाद कई अन्य हत्याओं को भी अंजाम दिया था। साल 1997 में हुसैन वस्त्रा नाम के एक शख्स की हत्या हुई थी। कहा जाता है कि हुसैन छोटा राजन का मुखबिर था और राजन के लिए काम कर रहा था। बाद में हुसैन की हत्या में भी रशीद मालवाड़ी का नाम सामने आया था। इस तरह के काम को अंजाम देने के बाद रशीद मालवाड़ी छोटा शकील का खास गुर्गा बन गया था। उसके बाद साल 1998 में रशीद मालवाड़ी ने मस्तान के साथ मिलकर कुछ और आपराधिक घटना को अंजाम दिया। इसके बाद साल 2005 में वह कुआलालंपुर भाग गया। कहा जाता है कि यहाँ वो छोटा राजन के एक और गुर्गे बालू रोकड़े को मारने के लिए आया था। कई संगीन जुर्म में शामिल होने के बावजूद रशीद मालवाड़ी लगभग 13 सालों तक मुंबई पुलिस की आंखों से ओझल रहा। डी कंपनी का इलीगल बिजनेस पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इसी सिलसिले में रशीद का नेपाल आना जाना लगा रहता था। वैसे कहा तो यह भी जाता है कि छोटा शकील का रशीद पर इतना भरोसा था कि नेपाल में स्थित डी कंपनी का सर्वे सर्वा रशीद मालवाड़ी को ही बना दिया गया था। वह नेपाल में अंडरवर्ल्ड का सारा काम देखता था। इतना ही नहीं, 14 सितंबर साल 2000 को बैंकॉक में जब डी कंपनी के लोगों ने छोटा राजन पर हमला किया था, उसमें रशीद मालवाड़ी के भी शामिल होने की बात कही गई थी। इसके बाद वह दुबई लौटा था और फिर मलेशिया में ही शिफ्ट हो गया था। साल 2008 में वह नेपाल के रास्ते भारत पहुंचा था। उसी समय उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ऐसा बताया जाता है कि बांद्रा, चेंबूर और शिवाजी नगर में हुई हत्याओं में वह शामिल रहा है। उसने कई सालों तक मुंबई और विदेश में डी कंपनी तथा छोटा शकील के लिए शार्प शूटर के तौर पर काम किया था। इसके बाद रशीद मालवाड़ी ने साल 2014 में मंगलुरु कोर्ट से बेल जंप कर नेपाल के रास्ते देश से फरार हो गया था। रशीद मालवाड़ी को डी कंपनी का इंडिया में सबसे लेटेस्ट और बड़ा गुर्गा कहा जाता है। मंगलुरु कोर्ट में बेल जंप होने के बाद जब यह फरार हुआ था, तब पुलिस इसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हो चुका है। फिर फाइनली जुलाई 2018 में रशीद को अबुधाबी पुलिस ने गिरफ्तार किया और वहीं पर उससे पूछताछ भी की गई। इस पूछताछ में जो सबसे अहम बात सामने आई वह यह थी कि छोटा शकील के कहने पर वह बीजेपी के एमपी वरुण गांधी और श्रीराम सेना के संस्थापक प्रमोद मुथालिक को जान से मारने वाला था। गिरफ्तारी के बाद से ही रशीद मालवाड़ी के बारे में कोई और खबर अभी तक सामने नहीं आई है। जैसे ही कुछ अपडेट आता है हम आपको जरूर बताएंगे। तो यही थी आज की हमारी कहानी। बाकी के डॉन का वीडियो अब अगले भाग में। आज की इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। साथ ही मुंबई अंडरवर्ल्ड के सभी डॉन्स का वीडियो देखने के लिए मुंबई अंडरवर्ल्ड वाले प्लेलिस्ट को जरूर देखें। उसका लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अंत में एक और जरूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।